हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको 37 रुपीज़ पर केजी में डिटर्जेंट पाउडर बनाने का फॉर्मूला आपको बताएंगे। उसके लिए हमने जो है ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आज नहीं लिया, हमने कम से कम इंग्रेडिएंट्स में कैसे हमारा डिटर्जेंट पाउडर बन सकता है और चीप रेट में बनेगा और क्वालिटी इसका जो है सफाई और झाग दोनों होगा और रेट भी इसका ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये हमने कम क्वान्टिटी में मंगाया था तो 37 रुपीज़ में ये हमारा बनेगा। अगर इसको बल्क क्वान्टिटी में आप मंगाते हैं तो आपका 25 से 27 रुपये में बनकर तैयार होगा। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इसका देखिए, हमने जो इन्ग्रीडियंट्स लिया, सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स हमारा 6 किलो डोलोमाइट पाउडर है। इसके बाद हम इसमें 5 किलो सोडा एस जो है सोडियम कार्बोनेट उसको हम डालेंगे। ये दोनों को पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें तीसरे इन्ग्रीडियंट्स हम मिक्स करेंगे। अभी मैं 3-4 बार से ऐसा कर रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिखना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखने की वजह से फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आता है, बार बार लोग उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए मैं इंग्रेडिएंट्स जो बता रहा हूँ आपको, आप इसको नोट करें और वीडियो को पूरा देखें। और डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं लिखूँगा इसलिए कि पहले सबको अच्छे से समझना है दो फॉर्मूले के बारे में और प्रोसेस के बारे में। फॉर्मूला और प्रोसेस दोनों को समझना ज़रूरी है अगर आपको इसके बारे में जानकारी हासिल करना है तो। और फॉर्मूला और प्रोसेस दोनों को अगर आप सही से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी और आप बार बार मुझसे सवाल पूछेंगे तो जवाब देना भी मुमकिन नहीं है बार बार। इसलिए प्रोसेस को पूरा अच्छे से देखें, वीडियो को पूरा देखें तो प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने 6 किलो डोलोमाइट पाउडर में 5 किलो सोडा एस जो है मिला दिया है। इसको मिलाने के बाद में अब हम इसमें एसिड सैलरी मिक्स करेंगे, जो कि हमने 1 किलो 250 ग्राम लिया था। एक किलो 250 ग्राम एसिड सैलरी हमने लिया था, जो कि हमारा 90% वाला है, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि एसिड सैलरी और सोडा एस जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये दोनों अगर नहीं डालेंगे तो डिटर्जेंट पाउडर आपका जो है नहीं बन पाएगा, और अगर बनेगा भी तो बहुत ही हल्का क्वालिटी का बनेगा। तो इसका क्वालिटी प्रोडक्ट जो बनता है और जो उसका रियल फॉर्मूला है, उसमें आपको एसिड सैलरी और सोडा एस जो है डालना ज़रूरी है। इसके बाद आप कोई भी इसमें फिलर मिलाइए या कोई भी दूसरा केमिकल मिलाइए, लेकिन ये दोनों मिलाना जो है वो इसमें ज़रूरी है। और ये दोनों जब मिक्स होता है आपस में तो एक इसका रिएक्शन होता है। सोडा जो है वो एसिड सैलरी में मिलने के बाद थोड़ा सा रिएक्ट करता है, थोड़ा सा फूलता है। अब फूलने के बाद में ये डिटर्जन पाउडर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। 5 से 7 मिनट इसको रिएक्शन करने में लगता है। इसका रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है तब जाके इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है। देखो, ये धीरे धीरे अपने आप फूल रहा है, अपना जगह से ये खसक रहा है अपने आप। इसका प्रोसेस जो है बहुत आसान है। एक बार इसको आप सही से समझ लेंगे तो आपको दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो नए व्यूवर्स हैं उनसे भी कहता हूँ और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनसे भी कहता हूँ कि प्रोसेस को पूरा अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। इसके बाद आप जो है अगर बनाते हैं तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं बनाते हैं डिटर्जेंट पाउडर तो आप बनाना सीख जाएंगे, इसमें एक ही वीडियो में आप पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। और जो नहीं समझ में आता है तो बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें मैंने अलग अलग तरीके से फॉर्मूला सेट किया है, तो सारे वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको पूरा प्रोसेस इसका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग केमिकल के जो क्वान्टिटी है उसको कम ज़्यादा करके अलग अलग रेट में आप बना सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास डोलोमाइट पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप इंडस्ट्रियल सल्ट डाल सकते हैं, इंडस्ट्रियल सल्ट नहीं है तो सोडियम सल्फेट डाल सकते हैं। और तो इसी तरीके से आप जो है अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। कास्टिक सोडा जो है वो कभी कभी हम लोग उसको एसिड सैलरी में मिला के डालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कास्टिक सोडा का लही अलग से बना के रखते हैं उसके बाद उसको डालते हैं। तो इसलिए हर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको हर वीडियो में अलग तरीके का आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो आप देखें और हर वीडियो को देखें तो आपको पूरा इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है आप अलग तरीके से बना सकते हैं। आप बस कभी कोई केमिकल नहीं भी रहेगा, कोई केमिकल दूसरा उसके जगह में मौजूद है तो कैसे उसका बनेगा उसको आपको समझने के लिए
पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, पूरा एक सीरीज़ है डिटर्जेंट पाउडर का हमारे चैनल पे, बहुत लंबा लंबा हमने वीडियो बनाया है इसलिए कि अच्छे से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा सोडा एस जो है ये एसिड सैलरी में अच्छे से देखिए ये रिएक्शन कर रहा है, अभी आधा से ज़्यादा इसका हो चुका है काम कंप्लीट, थोड़ा सा और हो रहा बाकी है, ये भी 2 से 3 मिनट के अंदर में पूरा कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम इसमें हमारा चौथा इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है हमारा सोडियम सल्फेट, जो कि हमने 5 किलो लिया था। ये जो है फिलर का काम करता है सोडियम सल्फेट, इंडस्ट्रियल सल्ट भी फिलर का काम करता है लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। सोडियम सल्फेट जो होता है थोड़ा ज़्यादा वाइट होता है और थोड़ा ये पाउडर फॉर्म में मतलब रहता है, ये जल्दी ढीला वाला नहीं बनता है और थोड़ा नमी को सोखता है, ये जो सल्ट है उससे ज़्यादा ये नमी सोखता है, इसलिए सोडियम सल्फेट भी हम मिक्स करते हैं इंडस्ट्रियल सल्ट के साथ साथ में। जब आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इंडस्ट्रियल सल्ट को डालेंगे और उसको उसका मात्रा को बढ़ा के भी डाल सकते हैं। सोडियम सल्फेट और इंडस्ट्रियल सल्ट दोनों का यूज़ इसलिए इसमें किया जाता है कि जो कपड़े का कलर है धुलने के बाद में कपड़ा का कलर नहीं निकलेगा, जो बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े होते हैं उसका कलर जो है कपड़ा धोने के बाद में निकल जाता है, तो इसलिए उसका कलर ना निकले इसलिए हम सोडियम सल्फेट या इंडस्ट्रियल सल्ट इसको मिक्स करते हैं। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है और दूसरा इसमें ये फ़ायदा है कि इससे सफाई की जो हमारी क्षमता है डिटर्जेंट पाउडर की वो बढ़ जाती है, सफाई का काम ये करता है, तो इसलिए इसको डालना ज़रूरी है। इसको डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टोटल हमने 9 इंग्रेडिएंट्स आज लिया है फिलर वगैरह सब मिला के, इसमें से 5 केमिकल है और 4 जो है हमारा फिलर है। बिना अगर आप नमक के भी डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान है, उसका रिजल्ट जो आएगा वो ऐसा आएगा कि आपका जो कपड़े का जो कलर है वो निकलने लगेगा, तो इसलिए उसको भी डालना ज़रूरी है। इसको डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें AOS लिक्विड, ये जो है झाग और सफाई दोनों का काम करता है, ये हमने लिया है 900 ग्राम। इसको डालने के बाद ये पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर अगला जो है हमारा इंग्रीडियंट्स उसमें डालेंगे। एसिड सैलरी अगर आप कम डालते हैं तो आप उसके उसमें रेट अगर कम रेट का बनाना है तो एसिड सैलरी को कम करके AOS लिक्विड को भी डाल सकते हैं बढ़ा के, ये भी जो है झाग और सफाई दोनों का काम करता है, लेकिन एसिड सैलरी को डालना ज़रूरी है इसलिए कि उसका जो सफाई का क्षमता है वो ज़्यादा है, AOS लिक्विड का क्षमता उतना नहीं है, कम है, तो इसलिए एसिड सैलरी ज़रूर डालें आप अपना डिटर्जेंट पाउडर में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो है ये अगला इंग्रेडिएंट्स जो इंडस्ट्रियल सल्ट हमने लिया था 5 किलो, 5 किलो 200 ग्राम है हमारा ये टोटल, इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा ये बारिश के टाइम में पानी में थोड़ा जब लग जाता है तो ये थोड़ा सा ढीला इसका बन जाता है, तो इसलिए इसको चूरा भी करना पड़ता है। इसका मिक्सिंग का प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है, पूरा केमिकल अगर आप अच्छे से फिलर के साथ मिक्स नहीं करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, तो उसको अच्छे से बनाने के लिए आपको मिक्सिंग अच्छे से करना पड़ेगा। अगर मिक्सर से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर मिक्सर नहीं भी है तो उसको हाथ से मिक्स करेंगे तो थोड़ा मिक्सिंग में मेहनत है लेकिन आपको करना पड़ेगा पूरा अच्छे से, तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे एसिलियस लिक्विड जो कि हमने 1 किलो 200 ग्राम लिया था, इसका काम जो है वो झाग बनाना है डिटर्जेंट पाउडर में, फॉर्म बूस्टर है ये, इसके बदले आप एसिलियस पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन हमारे पास अभी ये अवेलेबल है इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। पाउडर डालते अगर तो ये थोड़ा और ज़्यादा सूखा बनता, इसको सुखाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये जो है जब इसका पूरा प्रोसेस ख़त्म होगा तब तक ये पूरा पाउडर जो है सूख जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा पूरा प्रोसेस ख़त्म होते तक,
जब सब केमिकल मिलता है आपस में तो इसमें गर्माहट पैदा होती है, जिससे इसका जो पूरा नमी है वो धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है और ये पूरा सूख जाता है। ये अच्छा लिक्विड है, इसीलिए ये देखिए धीरे 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 इसमें से गिर रहा है। अगर इसमें पानी का मिलावट रहता तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता गिर के, मगर ये धीरे धीरे अगर गिर रहा है, ये इतना गाढ़ा है ये, इसका मतलब ये है कि अच्छा क्वालिटी का है, इसमें मिलावट नहीं है एसिलियस लिक्विड में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अगला इंग्रीडियंट जो कि है एसिड सेलेरी। एसिड सेलेरी जो है ये एसिड सेलेरी बोल रहा हूँ, ये कास्टिक सोडा का लाई है। एसिड सेलेरी में ये मिक्स होके इसका रिएक्शन होता है, इसका पीएच लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि पीएच लेवल एसिड सेलेरी का कम रहता है, कास्टिक सोडा का जो है ज़्यादा रहता है। ये दोनों मिलकर मेंटेन करता है पीएच को, पीएच आपका 7 से 8 तक रहना चाहिए। तो इसको आप डालेंगे कास्टिक लेई को, इसका जो वर्क है वो एसिड सेलेरी के साथ मिलने के बाद शुरू होता है। जब एसिड सेलेरी में ये मिलता है और दूसरे केमिकल में जब मिलता है तो इसका एक रिएक्शन होता है, जिससे ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद में ये जो है भाप बना के नमी को सुखा देता है, और जब ये मिल जाता है आपके पाउडर में अच्छी तरीके से, तो ये आपका जो सफाई का क्षमता है डिटर्जेंट पाउडर का उसको बढ़ाता है। सफाई को का क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है डिटर्जेंट पाउडर के बनाने में, प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है इसको डालना। तो अब इसको मिक्स करते हैं हम अच्छे से। इसको हमने पहले से बना के रख दिया था पानी में मिक्स करके, ताकि ये ठंडा होके पहले से रेडी रहेगा, तो फिर हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने के प्रोसेस में। अभी ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया है। इसमें और दो केमिकल आप डाल सकते हैं, इसमें से एक पॉलीमर है, दूसरा जो है आपका TSP है, HTPP है। HTPP या TSP दोनों में से कोई एक डालेंगे तो चलेगा, अगर दोनों भी डाल देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अभी हम जो है बिना TSP और बिना HTPP का बना रहे हैं, बिना पॉलीमर का बना रहे हैं। इसमें जो आखिरी इंग्रेडिएंट्स हमारा डलेगा वो है परफ्यूम, जो कि हम जब इसको पैकिंग करने के लिए जब इसको पैकिंग करेंगे तो उस वक्त इसमें परफ्यूम को मिक्स करेंगे। इसको हाथ से मिक्स करने में थोड़ा सा मेहनत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 27 किलो ये हमारा टोटल है, और पूरा नीचे से ऊपर तक इसको मिलाना पड़ेगा। थोड़ा इसको टाइम लगेगा मिलाने में, लेकिन इसको मिलाना ज़रूरी है। अगर नहीं मिलाएंगे तो आपका अच्छा क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर नहीं बन पाएगा। प्लास्टिक लई इसमें डालने के बाद में ये जो है गर्म हो गया है, और इसका नमी को धीरे धीरे सुखा रहा है। ये इसका रिएक्शन हो रहा है दूसरे केमिकल के साथ में, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में इसमें हम डालेंगे कलर ग्रेनुअल, और उसके बाद हम डालेंगे परफ्यूम। सबसे लास्ट में इसमें परफ्यूम ऐड करेंगे। जब पैकिंग करना आपको रहेगा इसको प्लास्टिक में, तब आप इसमें परफ्यूम मिलाएंगे, ताकि उसका खुशबू जो है बरकरार रहे। क्योंकि खुशबू अगर आप मिला के छोड़ देंगे और बाद में पैकिंग करेंगे तो इसका जो खुशबू है वो उड़ जाएगा। जैसे जैसे इसका मिक्सिंग हो रहा है वैसे वैसे ये गर्म हो रहा है, और इसका जो पानी है वो धीरे धीरे सूख रहा है और ये डायफ्राम में आ रहा है। 15 से 20 मिनट के बाद में ये पूरा ड्राई हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा कलर ग्रेनुअल, जो कि हमने लिया था 2 कलर में। देखिए
ये है ऑरेंज कलर में और ये है ब्लू कलर में, एक एक किलो दोनों है हमारा। अच्छे से दोनों को मिक्स कर देंगे। इसको डालने का जो मकसद है वो ये है कि डिटर्जेंट पाउडर में हमारा जो है वो थोड़ा लाइटिंग आ जाता है, चमकदार थोड़ा हो जाता है डिटर्जेंट पाउडर, थोड़ा खूबसूरत बन जाता है, अच्छा दिखता है, इसलिए इसको डाला जाता है। मिक्सिंग जो है अच्छे से कर दे रहे हैं ताकि इसमें सारा केमिकल जो है आपस में एक दूसरे से मिल जाए, रिएक्शन इसका हो जाए कंप्लीट, बाद में इसमें फिर हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा क्वालिटी का बन जाएगा मिक्सिंग अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देते हैं ताकि जो है आपको लेट ना हो। ये देखिए हमारा जो 10 मिनट हमने स्किप कर दिया था वीडियो को, पूरा ये मिक्स हो चुका है, ये जो है धीरे धीरे पूरा ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत और जो बचेगा ड्राई होने का वो भी हो जाएगा 10 से 15 मिनट अगर छोड़ देंगे तो। इसका मिक्सिंग जो है वो हमने कम्प्लीट कर दिया है, अब इसमें हम डालेंगे हमारा परफ्यूम जो हमारा 50 ml डालने का था वो डालेंगे। अच्छे से इसको अगर आप मिक्स करेंगे तो ये गीला नहीं होगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा देर छोड़ देंगे 15-20 मिनट पंखा चालू करके, पूरा ये ड्राई हो जाएगा। और इसमें जो मैंने SLS पाउडर की जगह SLS लिक्विड डाला है, AOS पाउडर की जगह AOS लिक्विड डाला है, उसको आप पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मिक्सिंग करना पड़ेगा और पूरा ड्राई फॉर्म में आपके बन के तैयार हो जाएगा ये, तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो AOS पाउडर और AOS SLS पाउडर ये दोनों अगर आप डालते हैं तो आपको लिक्विड नहीं डालना पड़ेगा और उसका क्वान्टिटी भी कम रहेगा, जितना SLS लिक्विड डालते हैं उसका आधा आप SLS पाउडर डालेंगे और जितना AOS लिक्विड डालते हैं उसका आधा आप इसमें AOS पाउडर डालेंगे। तो बहुत सारा इसमें तरीका है बनाने का, बहुत सारा इसमें जो प्रोसेस है इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप बराबर हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पूरा इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि कैसे बनाना है, कैसे फार्मूला सेट करना है, कैसे प्राइस को कम करना है, कैसे क्वालिटी को बढ़िया करना है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग जो है वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हैं उसमें लाइक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वीडियो जो है बूस्ट नहीं हो पा रहा है। तो जितने भी लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है और थोड़ा ग्रो करे और ज़्यादातर लोगों को ये जो है हमारा वीडियो देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को देखने को मिले।